नमस्ते, कुछ रो बिटिया, आई जेवियन अशोक कुमार जैन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड डायग्नोस्टिक्स फ्रॉम ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। टुडेज टॉपिक इज पीटी मैनेजमेंट इन ओबेसिटी। ओवरवेट रेफर टू इंक्रीज बॉडी वेट इन रिलेशन टू हाइट व्हेन कंपेयर टू सम स्टैंडर्ड और एक्सेप्टेबल और डिजायर्ड वेट। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज एन एक्सेसिवली हाई अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इन रिलेशन टू लीन बॉडी मास। कॉज ऑफ ओबेसिटी: एनर्जी इनटेक, एनर्जी एक्सपेंडिचर, न्यूट्रिशनल एक्टिविटी लेवल, एंडोक्राइन, जेनेटिक और ड्रग्स। एनर्जी इम्बेलेंस, वॉट इज इट? एनर्जी बैलेंस कैन बी कंपेयर टू स्केल। एन एनर्जी इम्बेलेंस अराइज व्हेन द नंबर ऑफ कैलोरीज कंज्यूम इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कैलोरीज कॉज बाय द बॉडी। वेट गेन यूजली इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमिंग टू मैनी कैलोरीज एंड नॉट एक्सपेंडिंग इनफ थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। एक्सेसिव एनर्जी इज शॉर्टेड इन फैट सेल विच एनलार्ज और मल्टीप्लाई। एनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल्स इज नॉन एज हाइपरट्रॉफी, वेरेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैट सेल्स इज नॉन एज हाइपरप्लेजिया। विथ टाइम एक्सेसिव इन एनर्जी स्टोरेज लीड टू ओबेसिटी। फैट सेल एनलार्जमेंट हाइपरट्रॉफी: एनलार्जमेंट फैट सेल प्रोड्यूस द क्लिनिकल प्रॉब्लम एसोसिएट विथ ओबेसिटी ड्यू टू द फॉलोइंग: द वेट और मास ऑफ द एक्स्ट्रा फैट, द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड एंड पेप्टाइड फ्रॉम एनलार्ज्ड फैट सेल। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ओबेसिटी लाइफस्टाइल में पुअर डाइट, स्किपिंग मील, सॉफ्ट ड्रिंक, पुअर स्लीप, स्नैकिंग, एल्कोहल, सेडेंटरीज एंड एक्सेट्रा। साइकोसोशियल: डिप्रेशन, एंजाइटी, बिंग ईटिंग, बोर्डम, सोशल इवेंट, लो इनकम, स्ट्रेस एक्सेट्रा। बायोमेडिकल: जेनेटिक, मेटाबॉलिज्म, इंट्रायूटराइन ग्रोथ, मेडिकेशन, इंजरी, मोबिलिटी टिश्यूज एक्सेट्रा। Theory of obesity: genetic, high calorie and high fat diet, insufficient energy expenditure, environment and lifestyle, lipoprotein lipase, leptin gene, drug and disease, health risk, psychological burden, osteoarthritis, high blood pressure, increased level of cholesterol, diabetes, increased heart disease, cancer, stroke, DVT, renal disease, sleep apneas, menstrual irregularities, gallbladder disease. Criteria for excessive body fat: percentage of body mass composed of fat, regional fat distribution, adipocyte size and number. Indication of obesity treatment: symptom, condition, caused by obesity, aggravated by obesity, unrelated by obesity. Dieting set point theory: early weight loss is largely water. Step point theory: a weight regulating mechanism located in the hypothalamus of the brain regulate how much the body should weight. Set point test the amount of body fat is considered necessary and work tirelessly to maintain it. Set point function like the mostet, it detect fluctuation in weight and make adjustment in energy metabolism and appetite.
सेट पॉइंट थ्योरी, द सेट पॉइंट हैज प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अमाउंट ऑफ फूड यू ईट. एज यू लॉस वेट इट सिग्नल, एज यू गेन वेट इट एपेटाइट, एज यू ओवर ईट ट्रिगर बॉडी टू वास्ट, एज यू डोंट ईट इनफ ट्रिगर बॉडी टू कंजर्व. स्पेक्ट्रम डाइटरी एडवाइस, ईट लेस फैट और कैलोरी काउंटिंग, मील रिप्लेसमेंट, मील प्रोविजन, हेल्थी ईटिंग, कैलोरी डिफेक्ट 1.1 और ग्रुप कंसल्ट VLCD. एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन FIIT प्रिंसिपल. टाइप एरोबिक एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. ड्यूरेशन 40 मिनट. फ्रीक्वेंसी 4 to 5 days. इंटेंसिटी EHR. व्हेन या वेयर EHR एक्सरसाइज, हार्ट रेट इज बीट पर मिनट. हाई इंटेंसिटी वे लो इंटेंसिटी. बिफोर बिगनिंग और एन एक्सरसाइज प्रोग्राम. एयर आर ए मैन ओल्डर देन 40 और वुमन ओल्डर देन 50 हैव हैड ए हार्ट अटैक, हैव ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बिफोर एज 45, हैव हार्ट, लंग, लिवर, किडनी डिजीज, फील पेन योर चेस्ट जॉइंट और मसल ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, हैव हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थमा, हैव हैड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्मोक, आर ओवरवेट ऑफ ओबेस, टेल मेडिकेशन टू मैनेज अ क्रॉनिक कंडीशन, हैव एन अनट्रीटेड जॉइंट और मसल इंजरी और परसिस्टेंट सिम्टम आफ्टर अ जॉइंट और मसल इंजरी, अनश्योर ऑफ योर हेल्थ स्टेटस, आर और प्रेग्नेंट. इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन फैट मेटाबॉलिज्म. टू मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट. अ रेस्ट बॉडी मेटाबॉलाइज ओनली अबाउट 30% ऑफ फैट. ड्यूरिंग एक्सरसाइज ओनली 25% ऑफ एबिलिटी कन्वर्ट बैक इन टू फैट. ड्यूरिंग लाइट एक्सरसाइज 30 to 50% यू टू मैक्स अबाउट 50% to 70% एनर्जी विल कम फ्रॉम FFA. इफेक्ट ऑफ एवरेज. A large percentage of FFA is used as source of energy. Lactic acid threshold will be higher. Resting metabolic rate increase. Increased level of epinephrine and non-epinephrine. Specific exercise consideration. Non-weight bearing activities. Recreational activities. Planet versus incidental. Survive. Versus non-survive. Health benefit of exercise training with or without substantial weight loss. Well, number first, maintenance of reduced body weight and body fat content, prevention of weight and fat regain, reduced systolic and diastolic blood pressure, control of hypertension, decrease resting heart rate, increase stroke volume, increase cardiac output, reduce blood lipid, cholesterol, triglyceride, free fatty acid, increase blood high density lipoprotein, reduce cardiovascular disease risk, increase blood glucose control, reduction in oral hypoglycemic medication, reduction in insulin doses, increase insulin sensitivity, decrease cancer risk, colon, breast, prostate, lung, decrease bone and joint problem, increase aerobic capacity, increase functional capacity, increase muscular function, increase psychosocial profile, decrease stress, decrease depression, increase self-esteem, decrease body image, dyspregment, decrease eating pathology, decrease mortality risk, increase immunity, increase pulmonary function, increase or maintain of bone mineral density, decrease risk of stroke, maintenance of increase in lean body mass, augmentation in RMR and 24 hours energy expenditure, body consumption exercise protocol and accompanies diet. Fat on exercise and obesity. Exercise alone only lead to slight weight loss, if any, but marked reduction in mortality. Adding moderate vigorous aerobic exercise to dieting slightly increase weight loss. Aerobic exercise during weight loss less the loss of FM. Resistance exercise during weight loss passive. Any type of exercise help maintain weight loss, but duration must be 4 to 10 hours per week.
कंप्लेन मे बी बेटर विथ मल्टीपल शॉर्ट बाउट सेशन. प्रिवेंटिंग वेट रिगेन आफ्टर वेट लॉस, एक्सटेंडेड ट्रीटमेंट, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, स्किल ट्रेनिंग, फूड प्रोविजन, मॉनेटरी इंसेंटिव, पीयर सपोर्ट, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, सेल्फ मॉनिटरिंग, स्टिमुलस कंट्रोल, बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम काउंसलिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सोशल सपोर्ट. Prevalence of obesity, BMI greater than 30 kg per meter square doubled, morbid obesity greater than 40 kg per minute quadrupedal, super obesity greater than 50 kg per minute five fold increase. Obesity in men, women and reproductive age in India. Country India, 9 male, 12 female. पंजाब 30 मेल 37.5 फीमेल, गुजरात 15 मेल 17 फीमेल, यूपी 16 मेल 12 फीमेल, हरियाणा 14 मेल 17 फीमेल. क्वांटिफिकेशन ऑफ ओबेसिटी, वेट इन केजी पर हाइट इन मीटर, वेस्ट हिप रेशियो मैन ग्रेटर देन 0.88, वुमन ग्रेटर देन 0.85. Possible mechanism in obesity. The complex mechanism of obesity linking fat excess to metabolic syndrome is not well understood, but several experimental studies have shown that altered production of adipokinase play a main role in development and progression of the disorder. In important underlying mechanism may be a genetic predisposition, a factor associated with infertility, including allergic variant in cytokinase gene known to stimulate inflammation of those known to downregulate the anti-inflammatory response. In Indian, type of 2 diabetes and hypertension has also linked in obesity. 60 million people suffer from diabetes in 2012 and will exceed 100 million by 2030. People with BMI greater than 35.0 kg per meter have a 6-fold higher risk of diabetes. Impact of obesity on longevity. 2.5 million deaths attribute annually to the obesity. Direct relationship between the increasing BMI and relative risk of dying prematurely. In morbidly obese, life expectancy is reduced by 9 years in women, 12 years in men. Obesity and psychosocial health in women. Poor body image, social lower educational level, lower rate of marriage, lower socioeconomic level. Women at greater risk from obesity than men all across the world. At disproportional risk from complication of obesity. Rate of obesity are Indian or world over in women. Amenorrhea, anovulation, subfertility and infertility is increasing occurring with higher body weight. Obese women are more likely to experience irregular menstrual cycle, ovulation and sign of androgen excess, particularly when the excess weight occurred during adolescence. In obese women at risk of infertility, yes, in obese women is about thrice likely to be infertility as a normal woman. It is seen that the adolescent obesity is associated with a 3-fold increased risk of lifetime
एंड ए फोर फोल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफ टाइम नुलर ग्रेविटी नल ग्रेविटी. ओके थैंक यू जी.